हाय गाइस, मैं हूँ अर्णव और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 मैजिक ट्रिक्स। पहले तो आपको मैं एक ही दिखाना चाहता था, बट मुझे 2 और आइडियाज आए मैजिक के। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, एक और मैंने मैजिक किया था जिसका नाम था हाउ टू चेंज द कलर ऑफ नॉर्मल वाटर इन द प्लास्टिक बॉटल। वो अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपको मेरा नाम लिखेगा नीचे पर्पल कलर में सर्कल में, उसे दबा दीजिए। आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनमें से 4 गेम्स के और एक मैजिक का। बट अब मैं बराबरी करूँगा, मतलब 4 मैजिक और 4 गेम्स। तो चलिए आज हमें मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा जो बहुत ही आसान है और वो आपके घर पे हो गई मटेरियल्स। तो चलिए अब मैं बताता हूँ मटेरियल्स क्या लगेंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, प्लास्टिक नहीं तो स्टील के 2 प्लेट्स सेम साइज़ के, फिर एक सेलो टेप ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ तो होना चाहिए वो, फिर एक सीजर आपके मर्जी के साइज़ का, बट ज़्यादा छोटा नहीं, ये सबसे छोटा है क्योंकि ज़्यादा छोटे सीजर्स ज़्यादा शार्प नहीं होते ना, इसीलिए ज़्यादा भी छोटा मत लीजिए, इतना ले सकते हैं। और फिर मैं लूँगा पिस्ता के 6 कवर्स, मतलब ऐसे, ये देखिए ये हुए 6। अरे हाँ, अब आपको दिखेंगे। और फिर एक स्ट्रॉ प्लास्टिक का, और फिर मुझे लगेगी 3 पेपर बॉल्स। ओह, एक नीचे गिर गया। हाँ तो आ गया मैं, और ये है वो 3 पेपर बॉल्स, और सबसे आखिर में हाँ ये देखिए 3 पेपर कप्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये कि ये सब कि हम क्या करेंगे। तो मैं पहले मैजिक से शुरुआत कर रहा हूँ। पहले मैजिक के लिए हमें लगेंगे 3 मटेरियल्स। पहले तो ये 3 पेपर बॉल्स एक हो, फिर 3 पेपर कप्स, और फिर लगेंगे एक सीजर। हाँ तो पहले मैंने ये 3 ग्लासेस में एक ग्लास लूँगा, ये देखिए। और मैं इसका नाम बताता हूँ कि हाउ टू बैनिश द पेपर बॉल बाई द पेपर कप। तो आप समझोगे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, अलग करूँगा गाइस, क्योंकि फिर आप लगेगा कि ये तो कुछ नहीं, इसीलिए अब मैं अलग ट्रिक करूँगा। तो पहले मैंने एक पेपर कप लिया है अच्छा सा, फिर अब मैं इसको कट करूँगा, इतना ही करना है गाइस। एक मिनट, आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। हाँ, अब आपके कौन से भी मर्जी के लाइन में ऐसे कट कर सकते हैं, इतना ये मैक्सिमम है, और मिनिमम कुछ तो इतना होगा, इतना आप कर सकते हैं कट अगर आप कौन से भी इस प्लास्टिक का। अब इसीलिए मैं बता रहा था कि स्टील का मत लीजिएगा। और अब मैं करूँगा दूसरे साइड से भी उतना ही साइज, और उससे बड़ा नहीं तो छोटा मत करो, और फिर वो हो जाएगा ऐसा, है ना। फिर अब मैं ऐसे ही सारे कप्स को करते जाऊँगा। एक तो मैंने पहले कर चुका नहीं, हाँ एक तो मैं पहला ही कर चुका हूँ, बस एक लाइन हुआ था और एक छूट गया। और अब ये करूँगा मैं आखिरी वाला। हाँ तो ये देखिए, ये भी हो गया। तो अब मैं लूँगा ये 3 पेपर बॉल्स, और इन तीनों में मैं ऐसे रख दूँगा। और याद रहे कि आप ऐसे रखो, पीछे से वो ऐसे होना चाहिए और आगे से वो ऐसा होना चाहिए, जिधर आपको मैप दिखेगी वो कापा हुआ है वो पीछे से होना चाहिए। फिर
अब मैं इसमें ये पेपर कप दिख रखूँगा। पहले मैं आपको एक छोटा डेमो दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एक पेपर कप। अब मैं इसको बैनिश करूँगा बिना उससे। अब ऐसे प्रेस करना होगा, फिर बॉल ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। एक मिनट। हाँ ये देखिए, बॉल को हम ऐसे ऊपर उछाल सकते हैं। और आप अपने फैमिली को ऐसे दिखा सकते हो, वो हैरान हो जाएंगे। हाँ एक मिनट। हाँ अभी आपको मैं ट्रिपल प्लेट दिखाऊंगा, तीन प्लेट्स मतलब कप्स। हाँ और इन तीनों कप्स में से अब मैं देखो, इधर का बॉल मैं इधर लूँगा। ये देखिए, आबरा का डाबरा गिलगिली छू गायब। ओ वो इधर आ गया, तो अब वो बॉल मैं इधर लूँगा गायब। और वो इधर आ गया। अब और ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड मैजिक का। ये तो था फर्स्ट मैजिक। ये अब मैं बाजू को रख दूंगा और सेकंड के लिए अब लगेंगे दो प्लेट्स स्टील के, एक टेप, फिर ये पिस्ता के पीसेस आपको दिख सकते हैं, और फिर एक सीजर। तो जब मैंने इतने थिंग्स ले लिए हैं, तो अब मैं इस टेप को खोल दूंगा कुछ तो ऐसे। मुझे एक्चुअली टेप तो अच्छे से खोलना नहीं आता। हाँ खुल गया। आप अपने मम्मी पापा का मदद ले सकते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट टेप ही होना चाहिए गाइस, कोई अलग नहीं। इसीलिए ट्राई कीजिए कि ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। और ऐसे आप तीन पीसेस कट कीजिए प्लेट में, उनमें से तीन लगा दीजिए। इस मैजिक को कहते हैं कि तीन में से ना तीन चीज़ें गायब। आप ले सकते हो कॉइन्स भी अगर आपके पास ये पिस्ता नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर आप ऐसे ही दूसरे भी करते रहेंगे, बट याद रहे कि सारे मत कीजिए, सिर्फ तीन कीजिए, मतलब थ्री करना है। थ्री में से तीन ही कर रहेगी। हाँ एक मिनट, ये ज़्यादा छोटा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया गाइस, इसीलिए मैं अलग बुला लूँगा इस बार। हाँ ये इतना परफेक्ट है। और अब मैं करूँगा आखिरी। आखिरी कुछ तो गड़बड़ हो गई, इसीलिए हम इसको बड़ा कर देंगे पहले से। हाथ में चिपक गया गाइस, सच कहूँ तो। हाँ चिपक गया। तो गाइस ये देखिए, मैंने तीनों चिपका दिए, और अब मैं इनको तीन रख दूँगा। और इस मैजिक का नाम है कि तीन में से तीन गायब, मतलब छः में से तीन गायब कर दूंगा अब मैं। ये देखिए, आपको देख सकते हैं कि मैंने लिए है पूरे मतलब छः पिस्ता के कवर्स, और अब मैं इसको ऐसे लगा दूंगा, और इनमें से अब मैं तीन गायब कर दूंगा। आबरा का डाबरा गिलगिली छू मैजिक, तीन गायब। वो तीन कहाँ भी नहीं, इधर होएंगे। तो अब बात करते हैं लास्ट का। लास्ट के लिए हमें तीन लगेंगे, फिर से टेल उसको, फिर एक्स्ट्रा। अब आप समझोगे कि स्ट्रॉ से क्या मैजिक होएगा। तो देखिए आप, मैं क्या करता हूँ स्ट्रॉ का। स्ट्रॉ के लिए मैं पहले ऐसे करूँगा, ये देखिए। और ये आपको फिंगर दिख सकता है इस हैंड का, ये मैं ऐसे कर दूंगा। आपको ये दिख रहा होगा, बट उस
पहले इस ड्रॉ में मैं इस डर, फिर हम आप अपने कौन से भी फैमिली या तो फ्रेंड मेंबर से, क्योंकि ये आप अकेले तो नहीं कर सकते गाइस इसे, ये बट एक इजी ट्रिक है जो आपको भी पसंद आई है, वो भी इजी। आप पहले वो फिंगर के मत करो और इन स्ट्रॉ में पहले ये ऐसे लगा दो। हाँ तो अब ये, अरे वाह ये तो स्ट्रॉ खुद हिल रहा है। वाह स्ट्रॉ तो खुद ही हिल रहा है, तो मैं ही कर खींचता था क्योंकि मैंने इधर सेलो टिप लगाया। तो गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब को क्लिक करो। तो बाय गाइस।